अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम पिजन्स का दाना लेके जो है ना वो आ चुके हैं, और चिखें उठाते वक्त मुझे लगा जैसे हीर के नीचे जो है ना बच्चे निकल आए हुए हैं। प्लस ये देखें, इनके काम देखें, इन्होंने जो है वो अंडे छोड़ के खुद जो है ना वो देखें इधर बैठे हैं दोनों। अंडों पर नहीं बैठना तुम्हें, हीर बेबीज दिखा दो, बेबीज निकल आए हैं वो देखें। हीर का एक बेबी निकल आया हुआ है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। पता नहीं अब ये किसका बेबी है एक्चुअल में। हीर चले जाओ, हीर जाओ जाओ अपने बेबी के पास चले जाओ। ब्लैक वाले लड़के तुम अपने अंडों के पास नहीं ना जाते, अपने अंडों के पास जाओ, दूसरों के बच्चे डिस्टर्ब ना करो। चलो शाबाश। तो गाइस हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। उई पैर के नीचे आने ही वाले थे अंडे। बस आ जाओ भाई। माशाल्लाह से मेरे असील चूजे देखें, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है इनकी। मैं तो इनकी प्रोग्रेस से बड़ा खुश हूँ। अल्लाह करे इनमें से कोई मुर्गियाँ भी निकल आए, ये ना हो सारे मुर्गे निकल आए। और देखें शर्म आ गई उसे भी कि मैं भी अपने अंडों पर बैठ जाऊँ। हीर का एक बेबी निकला है, देखें बाकी दो बेबी निकलते हैं नहीं निकलते, किस कलर के निकलते हैं, क्या सीन है क्या नहीं सीन। उतनी देर जो है ना वो हम अपने जानवरों को दाना पानी जो है ना वो आज डालते हैं। ये हमारे मिस्त्री भाई आ गए, आज काम मुका देंगे आप इंशाल्लाह। कह रहे हैं इंशाल्लाह आज काम मुका के जाऊंगा आपका, तो इंशाल्लाह आपको आज ऐसे प्रोग्रेस पता लग जाएगी पिंजरों की, कैसे बनवाए हमने। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे काम हैं जो हमने करवाने हैं। वो जो टैंकी का ओवरफ्लो वाला मसला आपको मैंने बताया था वो ठीक करवाना है। फिर उसके बाद चिटकनियाँ लेके आनी है इधर, फीड और पानी वाले लेके आने हैं सारे 8 के 8 पिंजरों के लिए, फिर ही कोई जानवर शिफ्ट कर सकते हैं ना। वैसे जो भूरा वगैरह वो तो मेरे पास है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो लाने वाली हैं अभी बाज़ार से जाकर, तो वो लेके आएंगे तो फिर ही किसी मुर्गियों वगैरह को जो है ना वो हम शिफ्ट कर सकेंगे। वो देखें हमारे जो है ना बज्जीज के बेबी जो है ना गर्दन बाहर निकाली हुई है दोनों ने। ऊपर वाले में से तो एक बाहर भी फिर रहा था, उसको मैंने वापस अंदर डाल दिया था। मैंने कहा बाहर इसको कोई मारे ही ना, तो वो वापस अंदर चला गया। वह इसको भी शर्म आई गई है हमारे ब्लैक लकी को, बैठ ही गई है अंडों पे। उधर हीर भी ऐसे पर फैला के अपने बच्चों को बच्चे को सही गरमाइश दे रही है। बाकी दो अंडों में से भी इंशाल्लाह जो है ना बच्चे निकल आए, फर्टाइल ही हों वो भी, तो कमाल हो जाएगा मैं कहता हूँ। तुम गिरा लो सारा। ए होमर जो है ना हमारा बहुत बदतमीज है, बज्जीज का दाना खाने के लिए आ रहा है। ये तुमने अपना दाना कम पड़ता है, हैं? अभी इनका दाना डालो, उसमें सनफ्लावर सीड हैं अभी, नीचे से खा लो। नहीं ले जी, बड़े बेबी के तो हमारे काम हो गए हैं। पानी इनको कल डाला था, अभी है एक दिन और गुजारा हो जाएगा। अब हम चल के अपनी मुर्गियों को खाना डालते हैं, इनको भी बल्कि पानी डाल ही जाते हैं। गाइस एक बाउल हम जो हैं वो डाल गए इनको, और दूसरा बाउल हम डालने के लिए आ गए। हमारे मेन फ्लॉक पर दाना डाल चुका है, अंडा देख लेते हैं। लेकिन इस टाइम कोई मुर्गी अंडा नहीं देती हमारी, रात को दिन के टाइम अंडे देती हैं ये। अब बबली एंड कंपनी एंड सिल्की एंड कंपनी का दाना रह गया भाई। आ जाओ भाई। क्या हुआ है तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो?
यार मैं काफ़ी खुश हूँ कि जो है ना हमारी हीर के बेबीज निकल आए। खुशी की रीज़न ये भी है कि क्योंकि उसके एक जो उसका अपना अंडा वो तो है ही, क्रॉस वाला किंग और हीर का मिक्सचर है, तो वो बच्चा कैसा बड़ा होता है वो देखने में काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि बाकी दो अंडे किसके हैं ये हमें पता नहीं है। नहीं जी, काम हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमने सिर्फ करना ये है कि आपको प्रोग्रेस दिखानी है हमारे केजेस बनते हुए की। अरे ये चकोरों की लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, ये मेरा सारा फ्लॉक इन्होंने जो है ना मुर्गियों का डिस्टर्ब करके रखा हुआ। तो अच्छी बात है हमने ये खुड्डे बनवा लिए हैं, इन चकोरों को तो लैदा ही बंद कर देना मैंने, ये उसमें लड़े मरे जो मर्जी करें। ये देखें जी मसाला तैयार हो रहा है प्लस्तर करने के लिए, ये भाई जो है ना वो साफ साफ सफाई भी कर रहे हैं सारी, ताकि जो है ना कोई गंद वगैरह ऐड ना हो बीच में, प्लस्तर करते वक्त आसानी हो। और भी काम अभी ईंटों की बनियाँ लगाने वाली भी रहती है नीचे, और प्लस्तर होने वाला पड़ा हुआ पूरा, जालियाँ लगने वाली पड़ी हैं। आज भी बहुत काम है, ऐसा नहीं है कि आज काम की जो है ना वो छुट्टी है, आज भी माशाल्लाह से काफ़ी काम पड़ा हुआ है, आज का पूरा दिन लग जाएगा इस सारे कामों को ख़त्म करते करते। गाइस ये चक्कर है, ये वाली दीवार हमारी प्लस्तर हो गई है, अब प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और इसी तरह जो है ना बाकी भी हमारी बाहर से जो है ना सारी दीवारें जो है ना प्लस्तर होनी है। ये मिस्त्री भाई लगे हुए एक, ये देखें मुर्गों को देखें पता नहीं क्या उठा के भाग रहे हैं, कुछ मिल गया उनको, कोई पुरानी रोटी पड़ी है क्या पड़ा मिल गया, वो तो सारे मुर्गियाँ उसके पीछे भाग रही हैं। हाँ भाई विरामा आज अंडा नहीं दिया तुमने, हैं कब देना अंडा। ये देखें दावियार भी आया ऊपर, दावियार अस्सलाम वालेकुम कर दो, हैं अस्सलाम वालेकुम कर दो सब्सक्राइबर्स को। ये देखो वालेकुम सलाम नहीं करना, अस्सलाम वालेकुम करना है, वालेकुम चेक करें, क्योंकि मैं अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ ना तो वो वालेकुम ही बोल रहा, वो अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल रहा। गाइस ये चक्कर है हमारी देसी मुर्गियों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिए अंदर बैठे हुए, वो तो मंडा देने के लिए बैठी कि वैसे ही बैठ के मजे ले रही है, हैं बताओ मुझे। अंडा तो बीच में कोई नहीं है, ये दो मुर्गियाँ ये लाल वाली और ये चिट्टी वाली जो है ना ये बॉक्स में जाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, हो सकता है ये भी अंडे देने स्टार्ट कर दें। और तुम बोल रही हो तुमने अगर अंडा देना है तो थल्ले उतर के अंडा दे इसको, ये देखें ऐसी बात नहीं कहा रही अंडे देने वाली। चलो उधर मैं आपको प्लस्तर का काम दिखाता हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखें ये वाली दीवार मैंने आपको दिखाई थी, अब ये देखें ये वाली बाउंड्री भी सारी जो है ना प्लस्तर हो गई है। और अब दूसरी साइड भी देखें तो इस तरह जो है ना सारी अच्छी प्लस्तर हो जाएगी। एक काम मैं सोच रहा हूँ, इस तरह तो बड़ा डल सीन लग रहा है, तो हमें कोई बल्ब शल्ब भी लगवाने हैं, तो देखते हैं लाइटिंग का क्या इंतज़ाम करते हैं हम। उधर हमारे मिस्त्री भाई ने देखें फ्रेम लगा दिया एक साइड का, मिस्त्री साहब इन प्लस्तर तो हो लेने देंगे पहले, तो पहले ही फ्रेम लाते थे। अच्छा प्लस्तर उधर से होना है, इधर वो ईंटों का वार नहीं लगाया फिर आपने। सही 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 ठीक है ठीक हो गया। ये इधर फिटिंग चेक हो रही है बेसिकली, अभी यहाँ से जी ये प्लस्तर हो जाएगा, इसके बाद ये वाली साइड स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि आज ये काम जो है ना सारा ख़त्म हो जाएगा। वो देखें आवाज़ निकाल रही है ये बरामा मारे, वो तू अंडा देना है तू जाकर डब्बे च बह, पहले ही वादा कट दी रहनी।
गाइस ये चक्कर है, इस मुर्गी को जो नीचे दिख रही है ना आपको, इसको मैंने उठाया प्यार करा था, और ये हमारी बदतमीज मुर्गी भी आ गई है, कड़ के ऊपर बैठ गई है, कह रही मुझे भी प्यार करो। हैं, तुम्हें भी प्यार चाहिए? हैं, देखो यही चीज़ मुझे जानवरों की बड़ी अच्छी लगती है, जिससे प्यार डालें माशाल्लाह से उसके साथ जो है ना वह भी प्यार करते हैं। ये देखें, कहती मैं भी चढ़ के बैठूँगी ऊपर। हैं, मज़ा आ रहा है ऊपर चढ़ के बैठने में तुम्हें? कैसा लग रहा है, ठीक हो? तो गाइज ये चक्कर हैं, इधर वाले जो हमारे 6 खुडे हैं उनका प्लस्तर कंप्लीट हो गया है। एक मिस्त्री भाई जो है ना इधर, जो 2 खुडे इधर है ना साथ इसके, उधर प्लस्तर कर रहे हैं, और इधर जो है ना हमारे हाजी नितीम साहब फर्स्ट फ्लोर डाल रहे हैं, क्योंकि जो है ना सारे खुडे पूरे कर लिए हैं तकरीबन जो है ना इन्होंने, अब कोई और खुडा नहीं बचा नए जोड़े के लिए, तो हम जो है ना पहले ही फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, ताकि जो है ना बाकी के कबूतर जो है ना आने वाले भी, और जो एक दो पेयर बच गए हैं वो जो है ना इधर अपना घर बनाए ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। हो सकता है कुछ नीचे से उठ के भी ऊपर चले जाएं, लेकिन ये इनकी अपनी मर्जी है, हमारा काम है इनको घर प्रोवाइड करना, वो हम दे रहे हैं। ये ईंटें शींटे पड़ी हैं, ये इंशाल्लाह सारी उधर लग जाएगी, इसी तरह जिस तरह टाइलें हमने इधर नीचे रखी हुई हैं वैसे ही ऊपर रखेंगे, तो हमारा काम जो है ना सारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये चक्कर हैं, इस साइड वाला भी प्लस्तर हो गया, ये सारा भी प्लस्तर हो गया, बस एक दीवार के साथ जो है ना मसाला भरने वाला रह गया, ताकि पीछे वाली साइड से ना स्लैबों से पानी ना गिर जाए। ये देखें ये वाली दीवार भी माशाल्लाह से प्लस्तर हो गई है, ये ईंटें हमारी बच गई हैं, ये फिर कभी हमारे काम आ जाएंगी। तो बाकी जो है ना उधर हमारा फर्स्ट फ्लोर डल गया हुआ, वो मैं आप कैसे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चक्कर है फर्स्ट फ्लोर हमारा डल गया भाई पिजन्स का, ये चिखे मैंने नीचे कर दी हैं, ताकि जो है ना इनको कोई ठंड वगैरह नहीं लगे, थोड़ी हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी इस टाइम, तो काम हमारा जो है ना वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीक हम ये करेंगे, अभी एक दो दिन की ब्रेक लेंगे काम करवाने से, इसको ज़रा अच्छी तरह सूखने देंगे सारी दीवारों को, और नेक्स्ट वीक हम ये काम करेंगे कि इसके अंदर ना लाइटिंग वाला जो काम है ना वो सारा फिनिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है ना A1 चकाचक जो है ना हमारे सारे जलते हुए नज़र आए। अभी दरवाजे हमारे रंग होने वाले भी रहते हैं, तो फिनिशिंग वाले बिल्कुल जो लास्ट फिनिशिंग वाले टचेज हैं ना वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम काम करेंगे। आज के व्लॉग को जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जो है वो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।